अरे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पाठ 10 शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ 10 है आपका सुवचनानि, दसमह पाठ। ठीक है बच्चों, सुवचनानि मतलब होता है बच्चों सुंदर वचन। ठीक है, सुंदर वचन वो होते हैं जो नीतियों में, सद्विचारों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखिए हम इसके बारे में क्या जानते हैं। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है वह माता शत्रु है और पिता बैरी अर्थात दुश्मन है। ठीक है, येन बालोन पाठितः, जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्ये, बच्चों वो बिना पढ़ा हुआ बालक उसी प्रकार नहीं शोभायमान होता है। हंस मध्ये बको यथा, जिस प्रकार हंसों के बीच में बकुला, बगुला। बच्चों, बगुला भी हंस की ही तरह से होता है, लेकिन हंस की विशेषता अलग होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है वह माता शत्रु होती है, वह पिता बैरी के समान होता है जिसने अपने बच्चों को नहीं शिक्षित किया या नहीं पढ़ाया। न शोभते सभा मध्ये, वो बालक उसी प्रकार शोभायमान नहीं होता सभा के बीच जैसे कि हंसों के बीच में बगुला। दूसरा देखिए, अलसस्य कुतः विद्या, अविद्यायाः कुतो धनम्, अधनस्य कुतः मित्रम्, अमित्रस्य कुतो सुखम्। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ, यानी आलसी जो मानव हो, आलसी जो मनुष्य हो, उनको विद्या कहाँ। अविद्यायाः कुतो धनम्, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम्, और जिनके पास धन नहीं उनके पास मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम्, और जिनके पास मित्र नहीं है उनको सुख कहाँ। अर्थात हमें आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। चंदनन शीतलम लोके, चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्रचंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। इसको बताया जा रहा है बच्चों, इस लोक में जो है वो चंदन शीतल होता है। चंदन, चंदन एक वृक्ष का नाम है बच्चों, जिसे हम देवी देवताओं का टीका लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चे, इस लोक में जो है वो चंदन शीतल होता है, और चंदन से भी शीतल क्या होता है, चंद्रमा होता है। ठीक, चंद्रमा और चंदन के बीच सज्जनों की संगति अच्छी होती है। ठीक है, चंद्रमा और चंदन, इन दोनों के बीच जो संगति होती है वो, सज्जनों की जो संगति है वो बहुत ही अच्छी होती है। आगे देखिए, आगे बच्चे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुपुत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते है, ना कि मनोरथ, मनोरथ मतलब इच्छाओं से। ठीक है, यानी कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाएं करने से नहीं। न ही सुपुत्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, क्योंकि क्योंकि सोए हुए शेर के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करते, अर्थात उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। मतलब बच्चों, शेर के मुंह में भी जानवरों का जो शिकार है वो स्वयं ही नहीं जाता, बल्कि उन्हें भी परिश्रम करना पड़ता है। आगे देखिए, नमंती सुफला वृक्षा, नमंती सबुड़ाजना, शुष्का वृक्षा मूर्खा च, न नमंती कदाचना। बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फल से लदे पेड़ झुकते हैं, अर्थात गुणों से पूर्ण लोग झुकते हैं, अर्थात विनम्र होते हैं। सूखे पेड़ और
मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं। बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस पेड़ पे बच्चों फल लगे होते हैं उसी की डाल जो है वो झुकी होती है, अर्थात जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं बच्चों वही लोग विनम्र होते हैं। इसीलिए सूखे पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते हैं। झुकते मतलब वो कभी अपने आप को नीचे नहीं सोचते, वो सोचते हैं हम ही सबसे ऊपर हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो सूखा पेड़ होता है वो भी नहीं झुकता, ठीक। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव न ही सर्वत्र चंदना न वने वने। बच्चों शैले शैले हर पर्वत श्रेणियों पर, ठीक है, हर पर्वत श्रेणियाँ या हर पर्वत पर मणियाँ नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि हर पर्वत पर मणियाँ नहीं पाई जाती हैं। और हर हाथी जो है वो हर हाथी के मस्तक पर सजा मोती नहीं होता, यानी हाथी तो बहुत होते हैं लेकिन सभी के मस्तक पर सच्चा मोती नहीं होता। हर वन में चंदन नहीं होता, ठीक है, हर वन में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता। उसी प्रकार जिस प्रकार हर पर्वत पर मणियाँ नहीं होती, हर हाथी के सिर पर सच्चा मोती नहीं होता माथे पर, और जिस प्रकार सभी वनों में चंदन नहीं होता, उसी प्रकार हर साधु सज्जन नहीं मिलते हैं, ठीक है। हर जगह साधु मतलब साधु के रूप में तो होते हैं वो लोग, लेकिन सभी लोग सज्जन नहीं होते हैं, ठीक है बच्चे। आगे देखिए, नरस्याभरणम रूपम रूपाश्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। बच्चों बताया जा रहा है नरस्याभरणम मनुष्य का भरणम आभरणम, मनुष्य का गहना जो है वो रूपस्याभरणम गुणः रूप है, ठीक है, मनुष्य का गहना रूप है, ठीक है, और रूप का गहना गुण है। अर्थात बच्चों जो लोग रूपवान हो लेकिन अंदर उनके गुण ना हो तो वो भी व्यक्ति अच्छे नहीं होते, ठीक। गुणस्याभरणम ज्ञानम और गुणों का गहना ज्ञान होता है। ज्ञान बच्चे ज्ञान एक ही प्रकार का नहीं होता, एक सामाजिक ज्ञान, एक किताबी ज्ञान, एक वास्तविक ज्ञान, एक आत्मिक ज्ञान, ठीक है, हर प्रकार के ज्ञान होते हैं बच्चे। इस गुण का ज्ञान, गुण का गहना क्या है, गुण का आभूषण क्या है बच्चों, ज्ञान है। ज्ञानस्याभरणम क्षमा, और सभी ज्ञान का जो गहना है वो क्या है, क्षमा, अर्थात क्षमा करना सबको नहीं आता। बच्चों एक छोटा बालक भी क्रोध करना जानता है परंतु उसके अंदर क्षमा वृत्ति नहीं होती, ठीक है बच्चों, यानी क्षमा करना जो है वो सबसे बड़ा गुण होता है। हमें भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, और ये जो आपके सुवचनान दिए गए हैं इनका पालन आपको बच्चों अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। इसी प्रकार आगे का अनुशीलन देखते हैं, दिया गया है बच्चों निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम श्लोक से को भावार्थ, प्रथम श्लोक का क्या भावार्थ है, ठीक है। तो आपको पता है ना, पीछे हमने पढ़ा है माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित नौ सौ भूते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, इसी का हमें यहाँ पे भावार्थ लिखना है। आगे देखिए, एकस्मिन् शब्दे उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। अपठित बालक कुत्र न शोभते, जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते वो कहाँ नहीं शोभायमान होते हैं बच्चों, सभा मध्य, ठीक है। इसी प्रकार ये भी आपका किया जाएगा एक शब्द में उत्तर। आगे देखिए, नंबर तीन, निम्नलिखितान श्लोकान पूरयत, निम्नलिखित श्लोक को पूरा कीजिए, ठीक है। माता शत्रु पिता बैरी, मैंने आपको अभी बताया बच्चे
उसी प्रकार इसे पूरा करना है। आगे नंबर चार देखिए, निम्नलिखित नाम वाक्यानाम हिंदी अनुवादम कुरुतः, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठितः, वो माता शत्रु के समान होती है और पिता बैरी के समान होता है जो अपने बालक को नहीं शिक्षित करता है अर्थात पढ़ाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये हो गया आपका नंबर पाँच। पाठात विपरीतार्थकान शब्दा चित्वा लिखता, पाठ से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। प्राज्ञा का मूर्खा, अवगुणह का गुणह। इसी प्रकार बच्चों ये आपका अनुशीलम का पांचवा हुआ। बच्चों आपका छठे नंबर पे है, पाठात विशेषण पदान चित्वा लिखता, पाठ से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पे दिया है वृक्षा, वृक्षा ये विशेष्य है और इसका विशेषण है पीछे दिया गया है सुफला। ठीक है, इसी प्रकार इनके भी विशेषण शब्द आपको चुनने हैं और लिखने हैं। निम्नलिखितानाम शब्दानाम वाक्य प्रयोगम कुरुतः, निम्नलिखित वाक्यों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पे वाक्यों दिया गया है, ये वाक्यों आपका नहीं होगा, यहाँ पे आएगा शब्दों का। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे अपनी बुक में लिख लीजिएगा निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला है नमंती। अब आपको नमंती से संबंधित कोई भी वाक्य लेना है पीछे से, यदि नहीं है तो आप स्वयं बनाएं और उसमें नमंती लाएं। ठीक है बच्चे, नमंती मतलब नमस्कार करता करते हैं। ठीक, इस प्रकार आठवां संस्कृत अनुवादम संस्कृते अनुवादम कुरुतः, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मित्रहीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, मित्रहीन कुतो सुखम। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका अनुशीलम समाप्त होता है। बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों तब तक के लिए धन्यवाद।